हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज का जो ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है राउरकेला के बारे में। पूरा अपडेट को मैं आप लोग को ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से बताऊंगा कि क्या नया अपडेट है। चलिए थोड़ा एक बार कैमरा को अच्छा से घुमा देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये जो ब्रिज है, ये वही ब्रिज है जिसका ब्लॉग मैं कई बनाया था, और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे का नज़ारा, बस वगैरह सब कुछ टोटल आना जाना हो रहा है। लेकिन यहाँ का इनॉग्रेशन जो है, उद्घाटन जो है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। 7 या 8 तारीख को यहाँ का जो उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन जिसको कहा जाता है, वो पूरा होगा। शायद बीजेपी के कोई आएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। और जो अभी क्लियर हुआ है रास्ता सिर्फ एक ही साइड से क्लियर है, यानी कि बालूघाट से ब्रिज स्टार्ट होता है, वहीं से बनना शुरू हुआ था, वहां से अभी आप लोग यहां घूमने आ सकते हैं। और ये जो ब्रिज है, ये डायरेक्ट आपको कनेक्ट होगा पानपोस का जो साई मंदिर है, वहां जाकर के कनेक्ट होता है। लेकिन पानपोस का जो साई मंदिर है, वहाँ पर रास्ता एंड किया गया है, बंद किया गया है, क्योंकि अभी रास्ता में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इसलिए बंद हुआ है। वन साइड से आप लोग यहाँ आकर के घूम सकते हैं, बाइक वगैरह एक साइड से दूसरा साइड जा सकता है, लेकिन जैसा देख सकते हैं बड़ा गाड़ी ये वहाँ नहीं जा पा रहा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बिरकेरा वाला रोड में। फ्रेंड्स, बालूघाट से ब्रिज स्टार्ट होता है और ब्रिज दो रास्ता को कनेक्ट करता है। पहला है आप लोग को पानपोस का जो साई मंदिर है, उसके ऊपर वाला ब्रिज में जाके एक रास्ता खुलता है। दूसरा रास्ता जो है वो है डंडियापाली से होते हुए जो रास्ता जाता है बिरकेरा टाइंसर, उस रास्ता में ये ब्रिज कनेक्ट होता है। न्यू ब्रिज से नदी का नज़ारा। ये जो गाड़ी जा रहा है, ये जा रहा है रिटर्न बालूघाट के साइड, और ये जो गाड़ी जा रहा है, ये जा रहा है बिरकेरा वाला रोड, यानी कि जेपी हॉस्पिटल से जो रोड बिरकेरा टाइंसर जाता है, वो रोड में ये जो बड़ा बड़ा गाड़ी है फिलहाल जाके मिल रहा है, क्योंकि वन साइड इसका बंद हुआ है, 8 तारीख को खुल जाएगा। गाड़ी चलाते चलाते ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने का, आप लोग को दिखाने का कि पूरा ब्रिज में आप लोग को दिखा के कवर कर लूँ। शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गाइस, घूमने बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं। नया ब्रिज बना है, नया रास्ता बना है, अब जो राउरकेला का मेन प्रॉब्लम है वही सॉल्व होने वाला है। ये पुल जो है, ये ब्रिज जो है, ये पानपोस का जो पुराना वाला ब्रिज है, उससे बहुत ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ गाड़ी आराम से आ जा सकता है, कभी भी उतना भीड़ नहीं होगा पुराना होने से भी, जितना पानपोस में फिलहाल होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिज, देखिए ये ब्रिज का काम अभी चल रहा है, ये कम्प्लीट नहीं है, ये टाइम लगेगा, यानी कि इसी के जस्ट साथ वाला ब्रिज है। इसमें कितना टाइम लगेगा देखिए, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। यहाँ लेबर लोग घूम रहे हैं, काम इसमें भी चल रहा है ज़ोर शोर से, थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा। ये स्टार्टिंग है ब्रिज का, सीधा आप लोग जाएंगे तो आ जाएगा बिरकेरा वाला रोड और पानपोस का साई मंदिर। बाइक में अभी आप लोग चाहे तो जा सकते हैं, बाइक में छोटा सा रास्ता है, खुला हुआ है, आने जाने के लिए ठीक है, लेकिन बड़ा गाड़ी वहाँ नहीं जा पाएगा अभी। फ्रेंड्स, सीधा सरल भाषा में आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को पानपोस आना है कभी भी इसके बाद, तो कभी भी आप पुराना वाला पुल को यूज़ मत कीजिए कि वहाँ अभी भी भीड़ ज़्यादा रहता है। इस वाले पुल में आ जाइए, इस वाला ब्रिज में आ जाइए, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत वाइड, बहुत चौड़ा, और सीधा आप लोग को एकदम खाली खाली आप लोग पानपोस का जो ब्रिज है
उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट था। आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ ही दिन बाद एक और नया प्लेस एक और नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।